देख रहे जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक प्रदेश में 24.74% मतदान हो चुका है। शहरों से लेकर गांवों तक, बूथों तक मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने सुबह सवेरे ही मतदान कर दिया है। बता दें कि आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के सी स्कीम में वोट डाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के शक्ति नगर स्थित आवास के पास बने स्कूल में बने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला है। बिरला अपने घर से पैदल ही मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पहले से मतदाताओं की कतार लगी हुई थी। इस बीच बिरला ने अपना वोट कास्ट किया और बिरला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1952 से लेकर आज तक मतदान होता आ रहा है और लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र के सशक्त होने का प्रमाण है। हमें भारत देश में इस बात पर गर्व है कि इतने बड़े लोकतंत्र में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदान होता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग को भी बधाई है। बिरला ने आमजन से अधिक मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि इस चुनाव में कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में है। उनकी किस्मत का फैसला प्रदेश के 5,26,90,146 मतदाता करेंगे। बता दें कि वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। बता दें कि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और सामने आएगा किसकी सरकार बनेगी। देश के अंदर अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, मतदाता विचारों के साथ विचारधारा की अभिव्यक्ति भी करता है और शासन सुशासन कैसा हो उसकी अभिव्यक्ति भी मतदाता करता है। बिरला साहब, चुनाव दर चुनाव भारतीय लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है। निश्चित रूप से 1952 से अभी तक की चुनाव को हम देखें तो हर बार प्रतिशत मतदान का बढ़ना है, इससे लोकतंत्र सशक्त हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में 17 आम चुनाव, 300 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ना भारत में लोकतंत्र का सशक्त होना है। और आज दुनिया में हमें गर्व है कि 1952 से अभी तक भारत का लोकतंत्र और सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी का तरीके से जवाबदेही से इतने बड़े मतदान को कराना और निष्पक्ष मतदान करना, इसके लिए भारत के निर्वाचन आयोग को भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। सर, आप भी वोट कास्ट करने पहुंचे, मतदान का आंकड़ा जहां तक पहुंचा है, वोटर से क्या कहना चाहिए? वोटर से, मेरी मतदाता से यही अपील है कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतदान के द्वारा